सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइटरूम ऐप से रेड कलर वाली फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह की। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आर इज द स्टार। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को इंपोर्ट करना है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू लाइटरूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एड टू लाइटरूम पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो ऑटोमेटिक ही इंपोर्ट हो जाएगा लाइटरूम के अंदर। उसके बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन दिखेगा ऑल फोटोज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आपका फोटो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो इस पर क्या करेंगे हम रेड कलर वाली फोटो एडिटिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके एक्सपोजर को बढ़ा देना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद नीचे आपको शेडोज का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आपको सबसे नीचे ब्लैक का ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आपको नीचे वाला टूल सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वाइब्रेंस का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको कम कर देना है। इसको कम करने के बाद आपको आगे वाला टूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसकी क्लैरिटी को बढ़ा देना है। इसकी क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद फिर आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये फेवरेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आर्टिस्टिक का ऑप्शन दिखेगा थर्ड नंबर पे, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आर्टिस्टिक 03 दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी अमाउंट आपको 100 दिखेगी, इसको आपको इंक्रीज कर देना है। इसको इंक्रीज करने के बाद ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रेड कलर इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर, लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद आपको टेम्परेचर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मिक्स का टूल दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कम कर देना है। कम करने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देना है। सेचुरेशन को बढ़ाने के बाद आपको पीछे वाला कलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी भी आपको कम कर देना है। उसके बाद आपको सेचुरेशन को बढ़ा देना है। सेचुरेशन को बढ़ाने के बाद ल्यूमिनेंस को आपको कम कर देना है। फिर आपको ग्रीन कलर फिर से सिलेक्ट करना है, और इसकी भी आपको ल्यूमिनेंस को कम कर देना है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपके फोटो में रेड कलर इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसकी सेचुरेशन बढ़ा के ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसकी क्लैरिटी को बढ़ा देना है। क्लैरिटी को बढ़ाने के बाद आपको डेज को भी बढ़ा देना है। उसके बाद बिगनेट को कम कर देना है। बिगनेट को कम करने के बाद आगे वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देना है। नॉइस रिडक्शन को बढ़ाने के बाद फिर आप अपने फोटो को जूम करके देख सकते हैं, आपके फोटो की रेड कलर वाली फोटो एडिटिंग हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपके पूरे फोटो की रेड कलर वाली फोटो एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।